हाय यू गाइस, आई होप यू आर डूइंग रियली गुड। अब हम जो प्रेजेंटेशन के बारे में बात करने वाले हैं वो हम उसके कंक्लूजन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हम बता चुके हैं कि कैसे आप अपने प्रेजेंटेशन को एडिट करें, कैसे उसको एक्सप्लेन करें, क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है प्रेजेंटेशन के लिए। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज नहीं देखी हैं तो प्लीज उन प्लीज प्लीज उन वीडियोज को जरूर देखें, ताकि लाइफ में आपको ये पता चल जाए कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में क्या गलतियां कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रेजेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्लीज यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मेरी ईमेल आईडी पे आप अपने प्रेजेंटेशन भेज सकते हैं, मैं आपको एडिट करके आपके प्रेजेंटेशन भेज दूंगी, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप मेरी पुरानी वीडियोस को भी देखें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप किस तरीके से अपने प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज, आप प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे आजकल लेटली, दिस इज फॉर नो प्रमोशन, बट कैनवा जो है, जैसे कैनवा के पेजेस जो हैं, आप उनको यूज कर सकते हो अपने वीडियोस बनाने के लिए, अपने प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गो थ्रू देम एज वेल। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कंक्लूजन की, और इससे पहले हम बहुत सारी बातें यहाँ कर चुके हैं। हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात कर चुके हैं, हम 30 इंपॉर्टेंट एचआर क्वेश्चंस की बात कर चुके हैं, और हमने प्रेजेंटेशन के बारे में बहुत सारी बातें कर ली हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं चाहती हूँ आप उन उन चीजों को जरूर 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 सुने, क्योंकि प्रेजेंटेशन देना एक आर्ट है, प्रेजेंटेशन देना एक स्किल है, किसी के दिमाग में बैठना, किसी के दिल में बैठना एक स्किल है, ठीक। तो प्लीज मेक श्योर कि आप उन सारी चीजों के थ्री आप सारी चीजों से गो थ्रू करें, ताकि जब आप कंक्लूजन तक पहुंचे तो आपके लिए ये समझना और इन डॉट्स को कनेक्ट करना बहुत इजी हो जाए। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज मेक श्योर यू गो थ्रू बोथ ऑफ देम, ठीक है। आपको बहुत इजीली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अच्छी प्रेजेंटेशन आप जो है वो कैसे बनाएंगे, और अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के साथ आप अच्छी प्रेजेंटेशन की डिलीवरी कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, हाउ डू यू कंक्लूड, हाउ डू यू फोकस ऑन दी आपका ऑडियंस वैल्यू। ये ऑडियंस जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको सुन रही है, आपको अपना पूरा इम्पैक्ट इस ऑडियंस पे देना है। दिस पिक्चर इज वेरी अट्रैक्टिव दैट आई रियली लाइक व्हेन दी अदर गाय इज ऐसे हाथ खोल के खड़ा हुआ है, उसने अपने ऑडियंस को इतना इम्प्रेस कर दिया है, ठीक है। इतना अच्छे से उसने ये चीज बोली है कि नाउ ही इज ऑल फॉर द ऑडियंस, ओके। तो मेक श्योर आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी हो कि तालियों की कोई कमी ना हो, और मेक श्योर आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा हो कि उसने आप लोगों के दिल और दिमाग तक इम्पैक्ट किया हो, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, व्हेन यू आर एंडिंग टू योर एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, हाउ डू यू रैप अप इट, इट इज अप टू यू द वे यू सॉरी हाउ डू यू रैप इट अप एंड इन अ वे दैट इट विल बी एवर लास्टिंग इन द मेमोरीज। द एक्सपर्ट रेकमेंड यू टू फोकस ऑन द फीलिंग्स ऑफ द ऑडियंस दैट दे टेक होम। अब बहुत अच्छी एक प्रेजेंटेशन हुई थी, मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत अच्छी एक प्रेजेंटेशन व्हेन आई वाज अ टीचर इन डीपीएस, तो वहां पे एक बहुत फेमस हॉस्पिटल है यहाँ पे भोपाल में, जिसका नाम है बंसल हॉस्पिटल। तो वहां के एक साइकाइट्रिस्ट आए थे, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मेरे दिल पर आज भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ गई है, क्योंकि उन्होंने शायद मेरी बात को या हम सबको उन्होंने एक बात से कनेक्ट करा था। अब आप मुझे बताएं कि क्या चीज है जो आपको टेंशन देती है, व्हाट इज द रीजन ऑफ योर टेंशन। कभी आपने बात सोची है कि मुझे टेंशन क्यों होती है? मुझे नहीं पता इस चीज के लिए सब चीजों का सब लोगों के लिए जवाब अलग अलग हो सकता है, पर पता नहीं क्यों आई फेल्ट, सर ने एक लाइन बोली थी दैट एक्सपेक्टेशंस आर द रीजन ऑफ योर स्ट्रेस, और आई डोंट नो व्हाई बट दिस हैज बीन इन माई लाइफ सिंस 2016, कि मैं जब मेरी एक्सपेक्टेशन होती है लोगों से तो ऑटोमेटिकली मेरा दिल दुख जाता है, ठीक। आई होप आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। अगर आप लोगों के लिए भी स्ट्रेस का कारण एक्सपेक्टेशन है, प्लीज डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन, और मैं शायद आपको स्ट्रेस फ्री होने में हेल्प करूंगी, लोगों से अपेक्षाएं कम करवाने में बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगी। तो मेक श्योर कि जब भी आप कोई चीज बोले, ये जो जो बात मैं आपको बता रही हूँ, ये इंसिडेंट में भी 2016 या 17 अराउंड का होगा, पर ये आज भी 2022 में भी मेरे साथ है, क्योंकि उस कॉन्वर्सेशन ने या उस प्रेजेंटेशन ने मेरे दिल पे इम्पैक्ट छोड़ दिया था, ठीक। तो ऐसा ही इम्पैक्ट आपको
एक अच्छे प्रेजेंटेशन में छोड़ना है सामने वाले के ऊपर। आप सेल्स का प्रेजेंटेशन दें, आप एजुकेशन का प्रेजेंटेशन दें, मार्केटिंग का प्रेजेंटेशन दें, एनीथिंग, और कोई बात जो आपको बहुत लगेगी वो तब होगी जब आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और ये ऑडियंस से कनेक्शन मेरा तभी बन पाएगा जब मैं उनके ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ जाऊं, और वो इम्पैक्ट इतना जरूरी हो, इतना अच्छा हो वो इम्पैक्ट कि ऑटोमेटिकली यू कैन कनेक्ट विद द पर्सन ऑन हार्ट टू हार्ट। ओके, तो मेक श्योर कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस को स्टडी कर कर जाएं। अगर आप एक स्कूल में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो स्कूल के बच्चों को एग्जाम्पल दें, उन्हें उस तरीके से कनेक्ट करें, उस तरीके से उनको एग्जाम्पल्स दें, ऐसे समझाएं कि आपकी ऑडियंस ऑटोमेटिकली आपसे आपको कनेक्ट कर पाए, ठीक है। जब भी बच्चों की बात आती है मैं अक्सर एग्जाम्पल्स पबजी के देती हूँ या कॉल ऑफ ड्यूटी के देना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है दिस इज हाउ दीज पीपल विल बी कनेक्टिंग। जब मैं बड़े कॉलेजेस में इंटरव्यू देती हूँ या मैं जब वहां पे कोई प्रेजेंटेशन देना प्रेफर करती हूँ, तो मैं उन्हें उन्हीं कॉलेज का कोई एक यू नो इंसिडेंट या उससे उनको यू नो कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। कि जैसे कोई कॉमर्स कॉलेज है तो कॉमर्स की किसी बात से मैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। इंजीनियरिंग का कॉलेज है तो मैं उन्हें इंजीनियरिंग वाले जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। सो आई मेक श्योर कि जब मैं कोई इस तरह का एग्जाम्पल देती हूँ तो मेरी ऑडियंस मुझसे कनेक्ट कर पा रही है या नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे अगली जो बात कहने वाले हैं वो ये है कि हाँ, जब अपन बात कर रहे हैं कंक्लूजन की, तो सबसे पहला, लीव योर ऑडियंस विद एन इमोशनल इम्प्रेशन। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो ऑडियंस है ये आपसे एक इमोशनल कनेक्शन जोड़ पाए, ठीक है ना। अभी इमोशनल कैसे कैसे कनेक्शन ये जोड़ सकते हैं, ये कनेक्शन इसीलिए हो सकता है कि आपने कोई वीडियो दिखाया हो जो बहुत टचिंग रहा हो, कोई ऐसा इंसिडेंट आपने शेयर करा हो जो बहुत टचिंग रहा हो, तो आपके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए इंसिडेंट्स डिफर कर सकते हैं, पर मैंने कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे आपने यहाँ पर एक कनेक्शन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो द लाइन गोज लाइक, दे माइट फॉरगेट व्हाट यू सेड बट दे विल नेवर फॉरगेट द वे यू मेड देम फील, सेड दैट पोएट माया एंग्लो। तो भाई इनका ये कहना था कि वो ये शायद याद ना रखें कि आपने क्या बोला था, पर वो ये जरूर याद रखेंगे कि आपने उनको कैसा फील कराया था, ठीक है ना। जब बहुत भीड़ होती है और बहुत सारे बच्चे होते हैं तो हम कई बार उनमें से जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों को मैं खड़ा करके कुछ ना कुछ सवाल करती हूँ या उन्हीं से कोई सवाल कर लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी ऑडियंस से हमेशा कनेक्टेड रहूँ, तो मैं उनसे जब उठ के सवाल करती हूँ तो उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट फील होता है, और यही फीलिंग होती है जो एक एक्सप्रेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। बहुत बड़ी ऑडियंस है, ऑब्वियसली आप इनको नहीं कनेक्ट कर पाओगे। ट्राई फाइंडिंग वीडियोस, ट्राई फाइंडिंग आउट स्टोरीज जो लोगों को आप, जिनसे आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है, यूज अ पॉज फॉर अ की टेक अवे। द साइलेंस विल एम्फसाइज दैट व्हाट यू सेड एंड मेक इट मीनिंगफुल, से इट स्लोली एंड लीव अ पॉज एट द एंड, ठीक। आपके पॉजेस जो हैं और आपकी बात जो है सामने वाले को सोचने पे मजबूर कर दे। आपने कभी एक चीज नोटिस करी है कि जो ये एपिसोड्स होते हैं, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन गेम ऑफ थ्रोन्स और इफ यू हैव सीन सूट्स, या आपने कोई भी मे बी इंडियन डेली सोप ही आप देख लो, तो ये लोग एक ऐसे मोड़ पे आपको छोड़ देते हैं कि आप अगला एपिसोड देखने के लिए ऑटोमेटिकली भागे चले आते हैं, ठीक है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि ये एक उनके तरीके का पॉज टेक अवे होता है, जहां पर आप अगले दिन से वहां से वापस उनसे कनेक्ट करना शुरू करेंगे, ठीक। और यही चीज आपको यहाँ पर करनी है। आपने कोई ऐसी इमेज दी, आपने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे देर वॉज अ की टेक अवे, जिससे वो कनेक्ट कर थम गए, रुक गए, और उसके अलावा आपने कई बार उनसे ऐसा कोई सवाल करा, मीनिंगफुल सवाल करा, जहां पर वो सोचने पे मजबूर हो गए। जब मैंने आपसे ये कहा कि आपके स्ट्रेस का कारण आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है और आपके परेशानी का कारण जो है ये आपकी अपेक्षाएं हैं, अगर मैंने आपसे ये कहा तो कहीं ना कहीं दिमाग में आपकी सोचने के लिए मजबूर हो गए, क्या ये बात सच है, क्या ये बात सही है, ठीक। सो नेक्स्ट, मेक योर कोर मैसेजिंग कॉल टू एक्शन इज द बेस्ट वे टू रैप योर प्रेजेंटेशन विद स्ट्रेंथ एंड योर इम्पैक्ट। व्हाट डू यू डू विद द ऑडियंस, व्हाट डू यू वांट योर ऑडियंस टू डू नेक्स्ट। तो आपने क्या करा, अपना पूरा मैसेज जो था वो एक एक कह सकते हैं एक सवाल में आपने इसको तब्दील कर दिया, और यहाँ पर आपने ये बताने की कोशिश करी। अब जो है ना, अभी तक आप बोल रहे थे और ऑडियंस देख रही थी,
अब आपने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे ऑडियंस सोचने पे मजबूर हो गई है, ठीक है। आप अच्छी प्रेजेंटेशन मुझे कैसे देंगे? अब आप ये बात आफ्टर आफ्टर द प्रेजेंटेशन आपके सोचने मजबूर हो जाएंगे कि मैडम ने जो बात कही है बात में तो बहुत फायदे हैं और बहुत सही बोला है इन्होंने। इफ यू फील दैट वे डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू डोंट इट्स ओके। पर आप जरूर ये बात सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इसके बाद से जब मैं कोई प्रेजेंटेशन बनाऊंगी, इस पूरी वीडियो के बाद से जब मैं प्रेजेंटेशन बनाऊंगी, तो आई विल मेक श्योर कि मैं ये सारी बातें जो है यहाँ पर ध्यान रखूं और इन चीजों का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखूं। आई एम सो ग्लैड दैट यू हर्ड मी ऑल दिस वाइल, और हमारी बहुत अच्छी इस बीच में ट्यूनिंग रही है आप सबकी और हमारी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर लव एंड कीप लिसनिंग टू मी, कीप टॉकिंग टू मी। वी विल बी टॉकिंग अबाउट अदर टॉपिक्स एज वेल। मैं बहुत सारे यहाँ पे और नए नए टॉपिक्स को डिस्कवर कर कर आपके सामने लेकर आने वाली हूँ एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर आपको ऐसा लगता है कोई टॉपिक ऐसा है जिस पे आप सुनना चाहते हैं इन पर्टिकुलर। वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिज्यूमे राइटिंग्स एज वेल, कवर लेटर्स एज वेल। अगर ऐसा कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं या मैं आपको पढ़ाऊं, प्लीज डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक श्योर दैट आई मेक अ गुड वीडियो ओवर इट। प्रेजेंटेशन के अलावा मैंने अभी लेटली मैंने खुद बहुत कैनवा यूज करना शुरू करा है और मैंने कैनवा से यही चीजें सीखी हैं कि मैं किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशंस को बनाऊं, किस तरीके से इनको बेटर करूं। उसमें आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे, बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जिसके थ्रू आप अपने प्रेजेंटेशंस को और बेटर बना सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर यू गो थ्रू सच थिंग्स। इनफैक्ट गूगल एनालिटिक्स भी ऐसी एक चीज है जिसके थ्रू, या वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ये सब चीजें कर सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई विल मेक श्योर कि कोई टॉपिक आपका ऐसा ना छूटे जो आप मेरे थ्रू सीखना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज एंड आई लव यू सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच of your love. Do like, share and subscribe the video ताकि मैं आगे आने वाली और videos पे और बेहतर काम करूं और आपको बहुत और अच्छे से आपकी personality development और trainer बनी रहूं। Thank you guys, thank you so much. This is the time I'm signing off. I love you guys and please stay tuned with me for the upcoming months so that I always be motivated to share my videos to you. Thank you so much.